उसमें आपको कहाँ कमियां दिखाई पड़ती है? सरकार ये कह रही है कि आप डिसिप्लिन होकर आर्मी से निकलेंगे, आपके पास और जगह पर नौकरी करने के बेहतरीन मौके होंगे। सर मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ? मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जो बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। सर 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके, वहाँ पे जब बर्फ, जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर, उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है सर, वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल में गया उसमें, मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं सर, देशभक्ति इससे कम होगी। तो सर इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, और पहली वाली भर्ती के अनुसार, और जो ये नई है इसमें और सुधार किया जाए। राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, चाहे MP हो चाहे UP हो, और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बाकी आपकी आम पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा 10%। मैंने आपको बताया तो है सपना एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाएंगे, यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के जाएं?